आज हम लोग जाएंगे अबाई कब्रिस्तान भी, घर भी दिखाऊंगी और बाजार भी जाएंगे जहाँ पे दादा बाबू की शॉप थी वो उधर भी जाएंगे दिखाऊंगी अभी वहाँ पे कौन सी शॉप है। और आज जो है ना आज के व्लॉग में सारा चकसवारी के बारे में होगा। बबली जी, किसने बबली उतार दी है मेरी हादी के? कौन चावल लेने लगा है? अभी मैंने लगाई है ना, चेंज की। नानी अम्मी ने बबली उतार दी है, शावर लेने लगा कोई बंदा? कौन शावर लेने लगा? ओए खुश कितना खुश होना उधर उधर उधर। ये जो है ना टॉवल आज न्यू निकाला है और ये सेट न्यू निकाला है, मेर हादी के नाना बू लेके आए थे, छोटे नानू मामू मैर, ऐसे मामू ऐसे नाना बू जिनकी भी शादी भी नहीं हुई और नाना बू भी बन गए हैं है मेर हादी। तो अभी मैंने यहाँ से निकालती हूँ इसका शैम्पू एंड ये क्या है, ये बेबी बाथ। नदीम ये ले आए, ले जाए। और ये क्या है, ये पता नहीं कौन सी कोई लोशन ही है, तो आफ्टर बाथ हम ये लगा देंगे मीर हादी को। और ये टॉवल भी जो है ना वो मामू मैर की तरफ से है। किसने शावर ले लिया है? हीटर के पास रखे और बीच में लग अपनी माँ ने प्यारी माँ सिद्के माँ सिद्के पिना रहे मामा वाक मेरे हादी को कौन पपले बना रहा? नानी हमी शॉवर भी ले लिया, कपड़े भी पहन लिए। यहाँ पे जी हमारा सफर होता है शुरू और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मौसम बड़ा ही अच्छा है, क्लाउडी मौसम है, बीच बीच में धूप निकल रही है लेकिन ठंड बिल्कुल भी नहीं है। आउटिंग के लिए ना बेस्ट मौसम है। अभी हम लोग गुजर रहे हैं बन वाली साइड से, डैम वाली साइड से, और पानी जैसे कि आप लोग देख सकते हैं डैम में काफ़ी कम है। आज हम लोग जा रहे हैं चक सवारी, तो मैंने सोचा कि व्लॉग भी स्टार्ट कर देते हैं और आप लोगों को भी साथ दिखाते हैं चक सवारी। अब्बू की जो है वो अबाई गांव भी जाएंगे हम लोग और वहाँ घर भी दिखाएँगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग, वेलकम टू माय अनएडिटेड एंड अनफिल्टर्ड लाइफ। आज का व्लॉग हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं हम रास्ते में हम लोग जा रहे हैं चक सवारी। और आज जो है ना मीर हादी फर्स्ट टाइम घर से बाहर निकला है और कहीं जा रहा है और कहाँ जा रहा है, चक सवारी जा रहा है। मीर हादी जो है वो मम्मी के पास है और सोया हुआ है आज फर्स्ट टाइम है, देखते हैं कैसा वो, लेकिन वो सोया हुआ है, उसको वो होश ही नहीं है कि मैं बाहर आया हूँ, नहीं दुनिया मैं दुनिया देखेगा, आंखें खोलेगा पता चलेगा कहीं बाहर आया हूँ, एक रूम में ही रहा है वो। आज हम लोग जाएंगे वो अबाई कब्रिस्तान भी, घर भी दिखाऊंगी और बाजार भी जाएंगे जहाँ पे दादा बाबू की शॉप थी वो उधर भी जाएंगे दिखाऊंगी अभी वहाँ पे कौन सी शॉप है। और आज जो है ना आज के व्लॉग में सारा चकसवारी के बारे में होगा, हमारा मीर हादी का जो है ना नाना अबू पर नाना जहाँ रहते रहे हैं पर नानी, तो भेजी भी जो है ना उनको भी, उनके लिए उनको भी दिखाऊंगी, उनकी याद ताज़ा हो जाएगी उन जहाँ वो रहती रही हैं, अभी तो वो परदेश में है तो वो गलियाँ भी दिखाऊंगी, रास्ते घर दुकान हर चीज़ जो है ना बहुत सारी रिफ़्रेश हो जाएगी। अभी हम लोग रुके हैं, अबू गए हैं पकौड़े और वो लेने दाल इस्लामगढ़ की जो फेमस है, तो वो पकौड़े भी खाएंगे और साथ में दाल भी खाएंगे और फिर अपना सफ़र जो है वो आगे जारी रखेंगे। खड़े हैं अब्बू जो है ना वो लेने गए हैं और मौसम जो है आज बादल बादल नहीं है लेकिन ठंड नहीं है। दाल सुनूनी पकौड़े
दुकान है ना ए प्याज वाली हां ए मामे सारे बिस्मिल्लाह लिया वे परचून की दुकान है इधर उन्होंने केड़ी दुकान सी उन्हें कह रखे है सी उन्हें पंसार से रखे है ए जेडी दुकान है ना ए दुकान वाले का है ए जिथे उनचे ने बट चावल ना आज नहीं आ रहा ए वाली हां ए किसने सी ए ते लाले बशीर ने अबे काया अच्छा 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 काया सही वाले दादा की दुकान है ऐसी जैसा मोटर रेंट पे कौन है अच्छा ये ये दादा बुक की दुकान होती थी लेकिन उनकी कौन से कपड़ों की दुकान थी कपड़े की आज से 37 साल पहले 37 साल पहले जो ये दुकान थी दादा बू मेरे दादा बू की और अब इधर ये वाली दुकान पर डल गई है वो सामने मस्जिद बाजार वैसे के वैसे ही है ये जामिया मस्जिद है मरकजी जामिया मस्जिद चकसवारी बाज़ार से होते हुए अभी हम लोग जा रहे हैं अबू के अबाई गांव की तरफ और रोड काफ़ी बम्पी है जिसकी वजह से वीडियो काफ़ी हिल रही है तो इसके लिए माजरत और ये साइड पे जो है देखें ईंटें बन रही हैं और ओवरऑल जो एम्बियंस है ना यहाँ का बड़ा ही अच्छा है ऑब्वियसली रूट्स जहाँ से बंदे की बिलोंग करती हो ना तो वहाँ जाके इंसान को उसके दिल को बड़ा ही अच्छा लगता है सुकून सा होता है कि कुछ जगहों से ना अपनाइत सी होती है बस ऐसी ही फीलिंग है यहाँ जाते हैं जब भी तो ऐसी फीलिंग आती है अपनाइत वाली और ये जो है ना ये साइड पे कब्रिस्तान है मेन और जनाजागाह और अभी जो है ना वो ये सामने देखें धुआँ निकल रहा है ईंटें बन रही हैं और ये सामने मस्जिद देखें कितनी प्यारी है लेकिन ये जो रोड थी ना ये बहुत ही ख़राब थी पता नहीं हम काफ़ी अरसे से जा रहे हैं लेकिन ये रोड ना वैसी की वैसी है जब भी जाते हैं ना ये इसी तरह से ख़राब ही रोड होती है पता नहीं ये कब बनेगी हालांकि ये हमारे अब्बू का जो है वह अबाई गांव है लेकिन हम जब भी जाते हैं ना तो उतनी एक्साइटमेंट होती है जैसे पता नहीं हमारा अपना गांव है हम वहां जा रहे हैं कभी हम लोग रहे नहीं है यहाँ पे बस इसी तरह साल में एक आध दफ़ा आते हैं और एक दो घंटे हो गए चले जाते हैं लेकिन फिर भी एक अपनायत सी रहती है शायद अम्मी अबू हमें ले कर आते रहे हैं इस वजह से और बताते रहे हैं कि यहाँ पर हम लोग रहते रहे हैं हमारा बचपन यहाँ पर गुजरा है और ये देखें गांव का नाम ढोक पेंडा ये लिखा हुआ है बोर्ड पे और यहाँ से हम अभी हम लोग जाएंगे अंदर बस थोड़ा सा ही जो है ना वो आगे करके एक घर है हमें ये कुछ लगे हैं या वैसे ही आए साइडों पर कोई फसल लगी हुई है हम लोग जा रहे हैं अबाई कब्रिस्तान और पहुँचाए तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ बड़ा अच्छा अच्छी फसल लगी हुई है पता नहीं ये येलो येलो फूल वो होते हैं ना सरसों के अभी मैं दिखाती हूँ ये देखें वो कब्रिस्तान है ये मस्जिद है इधर ये और वो बुझा रहे हैं ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है ये फसल ग्रीन ग्रीन में येलो येलो फूल सरसों के इतने प्यारे लग रहे हैं आखिरी आरामगाह हम सब की यही है तो अल्लाह ताला से दुआ है कि जितने भी मुसलमान फ़ोत हुए हैं अल्लाह उन सब की मगफ़रत फरमाए और हमारे जितने भी बड़े बुज़ुर्ग हैं उनकी भी मगफ़रत फरमाए और उनको जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए आमीन सुमा आमीन आपकी नानी अम्मी की
जी अरशद मामू जी वालद मामा दा अकबर जी जी ए मेरे मामू जात भाई सन ठीक है मेरे नानी जान है ए मेरे बड़े नानी जान है अच्छा सरवर बेगम जी हां ते ए माड़े नाना जी ने भाई सन बचपन से फोटो है सन अच्छा अच्छा मोहम्मद सिद्दीक नाम सी नाना ठीक अल्लाह सारे नानी सैद बीबी आज पहली बार भी मिली अरे सुनने होने सा वक्त असा दो पैसे होना दो पैसे होना त्रिए ने पता सुनने तो अब्बा असा लोगों ने इतने मतलब सोए सुना ते कदे ले ओ तू सुन कद थोड़ी उन कद बोल जा कद सी 6 फुट जना और असा लोगों ने जब ये याद है कुल कुत्ता रखा थे कुत्ते रखे सन असाने दादा जी कुत्ता रखिया सिर्फ कुलाने शौक ला ते बड़ा अच्छे कपड़े दुकान चेक सॉरी उसी अज्जा जी ने लोग याद करने ने मेरे दादा अबू के भाई है क्या नाम है अंबर लाइट अबू के ताया उनकी कब्र है मेरे दादा हैं जाहिर है मेरे दादा के भाई हैं मेरे दादा हैं जी अभी हम लोग जा रहे हैं अपना घर देखने दादा बू का मीर हादी को उठाया हुआ है मैंने और बस ये पास सामने ही है दुआ हम लोग कर रहे हैं कब्रिस्तान में और कब्रिस्तान के बिल्कुल पास ही है ना 5 मिनट की वॉक पे वो उस साइड पे है वो जहाँ पे वाइट कलर की मस्जिद नहीं नज़र आ रही वहाँ पे उसके पास है घर तो कोई काफ़ी अर्सा पहले मैं आई थी हम लोग आते रहते हैं साल में एक दो चक्कर बचपन से ही अम्मी अबू हमें लेके आते होते थे बताते होते थे कि यहाँ पे आपके जो बड़े हैं उनकी कब्रें हैं और आपके दादा हैं इस तरह नानी हैं उनके कब्र है यहाँ पे तो हम बचपन से आते रहते थे ना साल में एक आध दफ़ा और हम घर भी देखते होते थे अभी जो है ना काफ़ी अर्से बाद मैं आई हूँ शादी से भी पहले मैं आई थी काफ़ी अर्सा पहले तो घर देखा था और दुआ मांगी थी कब्रिस्तान में तो अभी आज काफ़ी अर्सा बाद जा रही हूँ आप लोगों को भी दिखाती हूँ खू किधर है खू कुत्ता नाला ये खू अपनी जुबान में और कुआं यहाँ से पानी अभी भी आता पानी और वो मस्जिद है और ये घर है जब दादा अबू फोत हो गए तो फिर अबू जो है ना वो अबू अबे जी मूव कर गए थे मीरपुर और ये उनका पुराना घर अभी भी वैसे ही है ना और यहाँ पे अब कोई और लोग रहते हैं डोर करा बेजी देखें आप अपना घर आपको याद आएगी आपके लिए आई हूँ मैं स्पेशल बनाने कि आप उधर परदेश बैठी हुई हैं तो देखेंगी अपना घर अंदर आए सकड़े यहाँ अस्सलाम वालेकुम ठीक हो ठीक हो बेटी को बना लगी सी दादी की पेंसा ये पेंसे रखी हुई है और ये कितना क्यूट है वो कितना क्यूट है हेलो हेलो ओ क्यूट 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 ऐसे मुझे डर लग रहा है नहीं नहीं कहती कुछ आ जाओ ये डोर है ये घर तेरा इतने साल पहले जैसे था वैसे ही है ये दलीज बेजी इधर बनाती होंगी हांडी ये आई थिंक किचन ही होगा एक ये रूम है एक वो रूम है और वो वॉशरूम है ये अबू अबू मेरे इधर पैदा हुए हमारा घर इस तरफ से था रास्ता पहले अब दीवार है जाई सकने हैं अंदर तो सें जाई सकने हैं एक ये रूम है
ਮਾਰ ਥੋੜਾ ਜਿਆ ਚਲੋ ਮੂੰਹ ਸਿਰ ਲਾਈ ਸ਼ਰਾ ਇਹ ਬੁਰੀ ਆ ਇਹ ਸਟੋਰ ਹੈ ਅੱਛਾ ਇਹ ਸਟੋਰ ਹੈ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਸਮਝ ਦੂਸਰਾ ਕਮਰਾ ਅਸਰਾ ਅੱਛਾ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਠੀਕ ਹੋ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਠੀਕ ਹੋ एक ये वाला रूम है अरे ये जगह जड़ी है ये भी उस मकान का नाल से या बख है ये जगह जड़ी है ये बाद में आसमान बनाई है अल्लाह बाद में ये तो मलवाई ना देता अबे जिने जड़ा ना केड़ा अबे जिने चाचा ने कार अच्छा रहना तो कोई नहीं था ना बिल्कुल ना, वो जड़ा ना ताया जी ना मकान से जड़ा सफेदी है ना हाँ ये पहला जड़ा है अच्छा पहला है तायो राणा सी ते ए अच्छा बेजी मेरी दादी के जो है ना चाचू का ये तो बहुत ही पुराना हो गया है इधर कोई भी नहीं रहता इसी तरह ही है उस वक्त के बने हुए कितने साल पहले अबू अबू साल पहले ना कम से कम 50-60 साल पहले का 50-60 साल पहले का अभी हम लोग जा रहे हैं वापस बाज़ार वाले रास्ते से ही जहाँ से आए थे ये मस्जिद रोड बड़ी ख़राब है ये वाली आगे आ रहा है ना कब्रिस्तान ये मेन कब्रिस्तान है बड़ा ये था जी हमारा सफ़र और हम लोग अब वापस आ गए हैं मीरपुर में और बस इतने ही हम लोग जाते हैं थोड़ी देर के लिए और दुआ वगैरह कब्रिस्तान पे करके आ जाते होते हैं तो एक तो ये होता है कि अम्मी अबू के साथ बड़ा अच्छा टाइम स्पेंड हो जाता है और हमें पता चलता है कि असल में हम लोग बिलोंग कहाँ से करते हैं हमारी रूट्स कहाँ से हैं और अपने बच्चों को ज़रूर लेके जाया करें जो भी पेरेंट्स देख रहे हैं मुझे ताकि उन्हें पता हो कि हम लोगों की असल जो बुनियाद है वो है कहाँ की है तो बड़ी अटैचमेंट हो जाती है उस जगह से भी अगर हम जाएंगे ही नहीं तो हमें पता ही नहीं होगा कि हमारे जो बड़े बुज़ुर्ग थे वो कहाँ रहते थे कहाँ से बिलोंग करते थे और ये जो है ना एक बड़ी अच्छी चीज़ लगती है और अच्छी बॉन्डिंग होती है आपकी अपने पेरेंट्स के साथ भी और अपने जो बड़े बुज़ुर्ग हैं उनके बारे में भी आपको पता चलता है तो खैर अभी हम लोग आ गए हैं वापस अपने शहर मीरपुर में जहाँ से भी हो के आ जाओ जैसे अबू को अपनी जाए पैदाइश की जगह जो है वो अच्छी लगती होगी इसी तरह मुझे तो मीरपुर ही अच्छा लगता है क्योंकि मैं जो मीरपुर में पैदा हुई हूँ तो बस ये व्लॉग जो है आज का हम लोग यहीं पे एंड करते हैं उम्मीद है आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा होगा और अगर अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें मिलते हैं फिर किसी अच्छे से व्लॉग के साथ तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और दुआओं में याद रखिएगा